नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको सात कलर का डोरमेट बताऊंगी। ये देखिए, मैंने ये सात कलर के चार चार फंदे डाल लिए हैं। स्टार्टिंग के जो फंदे होंगे एक कलर के, वो आप बाकी सबसे ज्यादा डालें। मैं आपको छोटा बता रही हूँ, इसलिए मैंने चार चार फंदे डाले हैं। आप बड़ा बनाएं तो आप ज्यादा डालें। आप छह छह सात सात डाल सकती हैं, और अगर आप इसमें सात डालती हैं तो पहले वाले कलर के आप दस फंदे डालें। अब पहली सलाई पर मैं तीन तीन फंदे कम करूंगी, तो मैं ये तीन फंदे यूं ही उतार लूंगी और आगे से बनाऊंगी। बाकी फंदे में जो जिस कलर के फंदे हैं मैं उसी कलर से बना लूंगी। आप इसको ऐसे करके इसके नीचे से लें ताकि आपका बीच में गैप ना आए। ऐसे ही हम आगे से भी निकाल देंगे, जो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के उनसे निकालें। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन निकाल दी है आगे पीछे से, जो जिस कलर के फंदे थे मैंने उसी कलर से निकाला है। अब मैं यहाँ पीछे की साइड से फिर से ये तीन फंदे छोड़ दूंगी। ये मैंने उतार लिए। अब यहाँ से हमें रेड कलर का काम नहीं है, रेड कलर के हमने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब हम यहाँ से ऑरेंज से बनाएंगे। इसी तरह से हम आगे से निकाल देंगे, जो फंदे छोड़ चुके हैं उनको छोड़कर बाकी हम सारे फंदे बना लेंगे। ये देखिए, मैंने एक सलाई निकाल दिया, यहीं से मैं वापस ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑरेंज पे ये सारे फंदे छूट गए थे, यहीं से वापस ले लिया है। अब मैं ये तीन फंदे और उतारूंगी और यहाँ से आगे बनाना शुरू करूंगी। देखिए, मैं यहाँ फिर से तीन फंदे छोड़ूंगी। अब हमारा ये ऑरेंज कलर भी छूट गया। हम फंदे छोड़ते जाएंगे और हर फंदे को उसी कलर से बनाएंगे जिस कलर का वो फंदा है। इसी तरह से हम हर सलाई पर तीन तीन फंदे छोड़ देंगे और बनाते जाएंगे इसी तरह से।
ये देखिए अब हमारे एक एक करके सारे फंदे छूट गए। अब हम आगे की तरफ से सारे फंदे बुन लेंगे। ये जो हमने फंदे छोड़े हैं इन सबको बुन लेंगे। ये देखिए ये मैंने एक सिलाई इधर से निकाल दिया आगे की तरफ से। अभी हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। हमने तीन तीन करके सारे फंदे छोड़ दिए थे और फिर आगे की तरफ से यहाँ से हमने सारे फंदे बना लिए थे एक बार जब हमने सारे छोड़ दिए थे। उसके बाद अब यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी। हम यहीं से एक सिलाई यहाँ से लेने के बाद पूरी यहाँ से हम फिर से तीन तीन करके फंदे छोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखिए ये मैंने तीन फंदे पहले छोड़े थे और यहां से पूरी एक सिलाई निकाल दी है। अब मैं फिर से ये तीन फंदे छोड़ूंगी जैसे मैंने पहली कली में छोड़े थे। इसी तरह से मैं तीन तीन करके फंदे छोड़ती जाऊंगी और ये फंदे उसी कलर के बनेंगे सारे जो जिस कलर के हैं चार चार फंदे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे सेमी सर्कल में बनाएं तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा और ये आपकी रंगोली जैसा रेनबो जैसा डोरमेट बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।